हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ये बादाम शेक की रेसिपी, जो कि पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है पर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए हम अपनी रेसिपी देख लेते हैं। हमें 3 बड़े चम्मच जो है कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इसे हमें नॉर्मल गर्म किया हुआ दूध, पर ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। तो देखिए, हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए इसमें। तो बस ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ लेंगे 15 से 20 भीगे हुए बादाम, इसे मिक्सी ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा दूध डाल के इसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना है। अब मैं यहाँ 1/2 लीटर के करीब जो है दूध ली हूँ, इसे अच्छे से बॉईल करना है। देखिए, ये दूध में बॉईल आ गया है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे अपनी पेस्ट, जो हमने बादाम की पेस्ट बना के रखी थी उसे ऐड कर देंगे। अब ये कस्टर्ड पाउडर को एक बार अच्छे से मिक्स करके इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और कस्टर्ड पाउडर को डालते ही हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है इसे, वरना ये नीचे तले में बैठ के गुठली बन जाएगी। इस तरह से हमें लगातार चलाते रहना है। तो बस हमें इसे चलाते हुए इसी तरह से अच्छे से पका लेना है। देखिए, ये कितना अच्छे से गाढ़ा हो गया। हमें चीनी अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर देना है। हमारा वो क्लिप जो है थोड़ा कट गया, इसलिए मैं चीनी डालते हुए नहीं दिखा पाई। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट अपने पसंद के डाल ली, मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा ली हूँ। हमारा यहाँ जो है लाइट चली गई थी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और मैं चीनी वाला क्लिप भी जो है स्किप हो गया। तो आप अपने हिसाब से जितना आपको मीठा पसंद है आप उस हिसाब से डाल लें। तो देखिए, ये अच्छे से गाढ़ा हो गया। अब हम अपने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और थोड़ी देर फ्रीज़र में रखेंगे, इसे ठंडा कर लेंगे अच्छे से, फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। ये पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। यहाँ लाइट नहीं थी इसीलिए अच्छे से जो है अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है, वरना ये बहुत ही सुंदर देखने में भी था और पीने में तो बहुत ही लाजवाब था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।